भाइयों और भाभियों, बहनों और बहनोइयों, सबके लिए नमस्ते। तो दोस्तों, आज है हम लोहागढ़ चैनल में। तो आइए आज हम बात करते हैं नटखट बच्ची से। उससे पहले मैं अपना नाम बता दूं कि मैं हूँ छोरी राजस्थान की, और प्रिया शर्मा मेरा नाम से। मैं हूँ छोरी राजस्थान की, और प्रिया शर्मा मेरा नाम से, और भांजी सु जाटा की भरतपुर मेरा स्थान से। तो चलिए बात करते हैं हम बच्ची से। हेलो बेबी, हेलो क्या नाम है बेबो आपका? मनीषका। मनीषका, नाइस नेम। तो तनिष्का जी, आप कहाँ पे पढ़ते हो? तनिष्का नहीं, मनीषका। अच्छा, वंशिका। तो वंशिका जी कहाँ पे पढ़ते हो? वंशिका नहीं, मनीषका। मनीषका, नाम नहीं भूलती अपना। अच्छा मनीषका जी, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? संस्कार निकेतन। संस्कार निकेतन। तो टीचर को परेशान करते हो? थोड़ा 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 कितना? थोड़ा। थोड़ा सा डांट पड़ती होगी, हाँ मार पड़ती होगी? नहीं पड़ती? पड़ती पढ़ती है ना। है। मैं पता है कितना परेशान किया करती थी अपनी टीचर को, इतना परेशान करती थी, इतना परेशान करती थी कि वो ना हार के ना मुझे इतना मारती थी, इतना मारती थी कि मैं रो जाती थी। बट आप किसी को बोलोगे नहीं ना? पक्का बोलेगी नहीं बच्ची? अच्छा ये बताइए, आप फैमिली में किससे ज्यादा प्यार करते हो? मम्मा पापा। मम्मा पापा? एक बताओ। मम्मा मम्मा से पापा गंदे हैं? अच्छे। आपने तो आपने तो अभी बोला कि मम्मा से बोला सबसे ज्यादा किससे करती हो? हाँ, सबसे ज्यादा मम्मा से करते हो, इसका मतलब पापा गंदे हैं। पापा से भी करता हूँ। पापा से भी करती है? ऐसे नहीं, एक बताओ दोनों में से। मम्मा। मम्मा मतलब पापा मारते हैं? नहीं, तो फिर क्यों नहीं करते पापा से? ऐसे ही। ऐसे क्यों? अगर अगर मैं पापा का नाम लेता हूँ तो मम्मा गुस्सा हो जाती है, मम्मा का नाम लेता हूँ तो पापा गुस्सा हो जाते हैं। वाह क्या स्मार्ट बच्ची है, देखो। हाँ। अच्छा ये बताइए कि मम्मा ने कभी मारा आपको? हाँ, कितनी बार? दो-तीन 2-3 बार। किससे? हाथ। हाथ से मारा? डंडे वंडे से नहीं मारा? पापा को कितनी बार मारा है? एक बार भी नहीं। एक बार तो मारा था, मैं देख रही थी, याद करो। नहीं, मारा था नहीं मारा राधिका जी, मारा था। था। राधिका नहीं, मनीषका। ओह सॉरी सॉरी, वंशिका मारा था। नाम नहीं भूलती, मतलब मैं भूल जाऊंगी, बच्ची नाम नहीं भूल रही है। अच्छा तो तनिष्का जी, आप ये तनिषका नहीं, मनीषका। सॉरी सॉरी मोनिष्का, आप ये बताइए कि मम्मा ने कभी गोलगप्पे खाने के लिए जिद की है? कितनी बार? एक बार। एक बार ही की है बस? क्यों, मम्मा का उस दिन चटपटा खाने का मन कर रहा था, गोलगप्पे क्या बोला था मम्मा ने? फिर खिला लो। खिलाए पापा ने? कब लेके गए थे, कितने कितने टाइम पे? 7:30 ऐसे कुछ हुआ। हाँ नाइट में लेके गए थे, दिन में? नाइट। नाइट में ले गए, मतलब पापा को डर था बेलन खाने का। अच्छा ये बताओ, खाना घर में अच्छा कौन बनाता है? मम्मा। मम्मा बनाती हैं, पापा नहीं बनाते? पापा भी बनाते हैं। पापा भी खाना बनाते हैं? हाँ। पापा भी खाना बनाते हैं, हमारे पापा तो नहीं बनाते। वैसे क्या क्या बना लेते हैं आपके पापा? मेरे पापा को सारी तरह की सब्जी बनानी आती है, सारे तरह की। तो सारे तरह की। टेस्टी खाना कौन बनाता है, मम्मा या पापा? मम्मा। मम्मा या पापा, दोनों बनाते हैं अच्छा खाना। दोनों, मतलब दोनों मिलके बनाते हैं? हाँ। क्या बात है। तो किसने दुखाया मनीष का मुंह? प्रिया शर्मा ने मुंह दुखा दिया आपका, मतलब आप प्रिया दीदी से प्यार नहीं करते? बोलते बोलते, वैसे तो सारे दिन हुदुम करती रहती है। अरे मत बोलो, तनु बेइज्जती हो जाएगी। ओ बेटा बेइज्जती हो जाएगी। नहीं ये बताइए कि आप मंदिर जाते हो, क्या मांगते हो भगवान से? भगवान से भविष्य के लिए मांगता हूँ। भविष्य के लिए क्या? बड़ा होके मैं क्या बनूंगा? क्या बनोगे? मैं डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? तो डॉक्टर बन के क्या करोगे? इलाज करूंगा। किसका?
जो भी आएगा। कौन आएगा? कौन आएगा? अब उनकी मर्जी कौन आएगा? ऐसे नहीं, पहले मुझे बताओ कौन आएगा। वो तो उनकी मर्जी कौन आएगा, मैं गुस्सा हो जाऊंगी, मुझे बता दो। कौन आएगा? जिन जिनकी तबीयत खराब होगी वो आएगा। मैं मुझे ये बताइए कि आपकी मम्मा कभी आपके साथ में आइसक्रीम खाने गई हो और कभी आपसे छीन के आइसक्रीम खा लिया हो और पापा को बोल दिया हो कि मेरी बेटी ने खा लिया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। तभी तो छीना होगा, बोल दिया होगा खा गई। नहीं, मैं मम्मा की छीन लेता हूँ और खा जाता हूँ। मम्मा की छीन कर खा जाते हो आप? वैसे दिख ही रहा है कि कितनी मतलब सीधी लड़की है। अच्छा तो तनिष्का दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी नटखट पूजा के लिए, पूजा को क्या पसंद है। तो पूजा जी, आप ये बताइए मुझे कि आपको गाना गाना आता है? पूजा नहीं, मोनिश्का। नाम नहीं भूलेगी। अच्छा मोनिश्का, आपको गाना गाना आता है? हाँ। कौन सा गाना पसंद है? सारे। एक गाना बताओ। कौन सा? कोई भी आपको जो पसंद हो, सबसे ज्यादा फेवरेट सॉन्ग आपका? काला काला। काला काला गा के बताओगे मुझे? काला काला कहे गुजरी मत, काला काला कहे गुजरी मत। अरे मैं भूल गया। भूल गए? चलो दूसरा गा के सुना दो। कैसा लगता है डांस करता करना? अच्छा। अच्छा लगता है? मम्मा मम्मा सिखाती हैं या खुद ही? मैं मोबाइल पर से स्टेप सीख जाता हूँ। मोबाइल से स्टेप सीख लेते हो? और मम्मा भी सिखा देती है। अच्छा, मम्मा हेल्प करती है। अच्छा ये बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे सबसे ज्यादा आइसक्रीम। आइसक्रीम सबसे ज्यादा? अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊं तो आप कितनी आइसक्रीम खा सकते हो? मैं 20 आइसक्रीम खा लोगे? और अगर मैं आइसक्रीम बहुत ज्यादा टेस्टी हुई, बहुत ज्यादा, तो कितनी खा लोगे? 100 से भी ऊपर। देखा आपने, 100 से भी ऊपर हमारी मतलब मोनिश्का आइसक्रीम खा सकती है। तो वंशिका आप ये बताइए कि आपने खाई है कभी 100? वंशिका नहीं, मोनिश्का। अच्छा मोनिश्का, आपने आप मतलब मम्मा को परेशान करते हो? हाँ। कितना ज्यादा? बहुत सारा। पिटाई तो लगती होगी? बहुत होती। कितनी? बहुत लगती है। पापा नहीं पिटते? पापा नहीं पिटते, पापा डांटते हैं सिर्फ। डांटते हैं सिर्फ? और अगर मैं पापा को बोल दूं कि मनीषका को पीटा करो तो? पापा नहीं पीटेंगे। ऐसे कैसे नहीं पीटेंगे? गलती करता हूं तो पीटेंगे। और मैं बोल दूंगी, मैं जैसे चुगली कर दूं पापा से कि आपकी मनीषका गंदी है तो? पापा कुछ नहीं कहेंगे। मैं बोल दूंगा दीदी झूठ बोल रही है। दीदी झूठ बोल रही है? अच्छा अनुष्का ये बता मुझे कि पापा आपको जब मार्केट लेके जाते हैं तो शॉपिंग कराते हैं? अनुष्का नहीं, मोनिश्का। मोनिश्का? मोनिश्का नाम भूल जाती हो। वही तो, मेरी ना थोड़ी मेमोरी कम है। तो ये बताओ, आपको पापा शॉपिंग कराते हैं मोनिश्का? हाँ कराते हैं। क्या क्या दिलाया था? टॉप, जीन्स वगैरह वगैरह, ड्रम बॉक्स। हाँ अगर मैं चलूँ आपके साथ में शॉपिंग करने तो आप मुझे करा दोगे? कि जैसे आप स्कूल वगैरह जाते हो तो आपको छोड़ने कौन जाते हैं? मम्मी। मम्मी? पापा क्यों नहीं जाते? पापा सो रहे होते हैं। मतलब कंजूस के साथ में वो आलसी भी है? सो रहे होते हैं? कितने बजे तक सोते हैं? पापा पहले तो 7 बजे उठ जाते थे, बाहर को भी जाते थे, अब 7 बजे उठ जाते हैं, फिर स्कूल वगैरह देखते फिर सो जाते हैं। कितने बजे तक सोते हैं पापा? 8 to 9 बजे तक। 9 बजे तक? इतनी लेट? तुम्हें पता है मैं कितनी जल्दी जगती हूँ? कितनी जल्दी? 9:45 पे जगती हूँ मैं। 9:45 इतनी जल्दी? हाँ इतनी जल्दी। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? तुम्हारे पापा से तो वैसे भी पहले ही जग जाती हूँ। 9:45। आप मुझे ये बताइए, खाना जब देती हैं तो किस हिसाब से बोलती हैं? मनीषा नहीं, मनीषा। ओ सॉरी मनीषा,
जब मम्मा खाना देती है पापा से, मतलब ऐसे कभी लड़ाई हुई हो और मम्मा ने बोल दिया जाओ मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, कभी ऐसा हुआ है? नहीं। हुआ था नहीं। याद करो एक। तो अब हम पूछते हैं हमारी बेबी से कि स्कूल खुद जाती है जबरदस्ती भेजते हैं, तो बेबी आई मीन मनुष्का, आपको घर वाले स्कूल भेजते हैं या जगाया जाता है या फिर आपका मन करता है? कभी कभार मन करता है, कभी कभार जबरदस्ती भेजते हैं। जबरदस्ती भेज देते हैं? ओहो कितनी नाइंसाफी हो रही है छोटी सी बच्ची के साथ में। तो जब मम्मा पापा के लिए खाना देती हैं तब कैसे बोलती हैं? अनुज खाना खा लो खाना। ऐसे बोलती हैं अनुज खाना खा लो खाना। फिर पापा क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है खा लूंगा। हाँ तो अच्छा ये बताओ आपके आप सबसे ज्यादा कौन अच्छा है, मम्मी अच्छे हैं पापा? मम्मी, अगर मैं मम्मी का नाम लूंगा पापा गुस्सा हो जाएंगे, पापा का नाम लूंगा मम्मी गुस्सा हो जाएंगी। ये तो है भाई, मम्मी का नाम लेंगे तो पापा गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए आपको मतलब दोनों में से प्यार कौन ज्यादा करता है? अरे अगर फिर वही बात आती है, पापा का बोलूंगा मम्मी गुस्सा हो जाएंगे, मम्मी का बोलूंगा पापा गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है किसी की मत बोलो। अच्छा ये बताओ आप मम्मी पापा की शादी में गए थे? नहीं तब तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। पैदा ही नहीं हुए थे? मैं तो गई थी अपने मम्मी पापा की शादी में। आप गई होगी, मैं तो नहीं गया था। पता है मैं तो बहुत छोटा था, अपने पापा की घोड़ी पर बैठ जाता है दूल्हा बन के। हाँ और फिर मम्मा के पास नहीं जाते? फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ ये बात भी ठीक है। अच्छा तो घोड़े पे बैठने का बहुत शौक है, तो मैं घोड़े पे बैठ गया। तो आप गए क्यों नहीं, मम्मा पापा लेके नहीं गए होंगे आपको शादी में? नहीं। तो मम्मा था ही नहीं तब। आपको किसने बोला? वो तो मम्मा ने झूठ बोला था। पता है क्यों? जब मम्मा पापा की शादी हुई थी आप सो रहे थे, आपको लेके नहीं गए। पता झूठ क्यों बोल दिया? ताकि कि मनुष्य का गुस्सा ना हो जाए, इसलिए झूठ बोला था। ओ छोड़ूंगा नहीं। हाँ तो देखा दोस्तों आपने कैसी है हमारी नटखट परी। अगर ऐसा ही आपके घर में भी है कोई नटखट बच्चा तो हमें कॉल कीजिए, हम आएंगे उसका इंटरव्यू लेने। और देखते रहिए लोहागढ़ भरतपुर चैनल, जिसपे हम आपको अनेक प्रकार की वीडियोस और ऐसे बच्चों से इंटरव्यू कराएंगे। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। सो टेक केयर, बाय बाय बाय।